Hello to everyone, I welcome you all on this Abhimanyu IAS platform, and today we are going to cover the first week of September important current affairs Haryana specific. So let's begin with this session. So जो पहला हमारा important news है that is related to insurance scheme. So ये जो insurance scheme है that is Horticulture Crop Insurance Scheme. यहाँ पे इस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इसे अप्रूव किया है रिसेंटली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम विच वी कॉल इट एज मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना. ठीक है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जिसके अंदर जितने भी फार्मर्स हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा अगर वो एडवर्स कोई भी क्रॉप लॉस जो है उसको सफ़र करते हैं ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन या फिर कोई नेचुरल कैलमिटीज़ आ जाती है तो उनको जो भी लॉस होगा वो इस इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा. तो इस स्कीम का अल्टीमेट ये ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, सो हॉर्टिकल्चर ग्रोअर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली उनके पास बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है, फाइनेंशियल लॉसेस उनको होते रहते हैं. सो बहुत सारे रीजंस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल द वेरियस फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन देयर फाइनेंशियल लॉसेस आर बायोटेक वंस. कैसे? जैसे दैट इंक्लूड्स द लॉसेज ड्यू टू सडन आउटब्रेक ऑफ क्रॉप डिजीज़. तो कोई क्रॉप डिजीज़ एकदम से होना शुरू हो जाती है या फिर इंसेक्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन की वजह से, या फिर अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं जैसे अनटाइमली रेनफॉल होना. इंडिया इज़ अ मॉनसूनल कंट्री, सो मेजरली हमारा जो एग्रीकल्चर है दैट इज़ मॉनसून बेस्ड, राइट. सो अनटाइमली रेनफॉल हो जाना, पहले हो जाना, बाद में होना, टाइम से पहले होना या बाद में होना, हेल स्ट्रॉम हो गया, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आ गए, फ्रॉस्ट हो गया या एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर हो गया, इसकी वजह से भी हमारा जो हॉर्टिकल्चर फार्मर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, राइट. सो वो सारी चीज़ें जो है उसको एक हेल्प करने के लिए, ताकि एश्योर करने के लिए कि ताकि वो जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करता रहे इवन इफ देर इज़ अ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल रिस्क इज़ इन्वॉल्व, बट वी आर देयर टू सपोर्ट यू. मतलब गवर्नमेंट का ये एक तरीके से स्टैंड है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर अबाउट दिस स्कीम बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो बिल्कुल आपने इसको ध्यान से देखना है. देखिए, सो विद द एम ऑफ इनकरेजिंग द फार्मर्स टू कल्टिवेट हाई रिस्क हॉर्टिकल्चर क्रॉप इवन इफ देर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल बी गेटिंग दिस एश्योरेंस ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन योर 21 different vegetable, fruit and spice crops which will be covered under the scheme. तो 21 जो है fruits, vegetables, spice crops हैं जो इस scheme के तहत covered होंगी. ठीक है, under the scheme farmers need to give only 2.5%. मतलब they are supposed to give only 2.5%. That is कितना होगा? ये 750 रुपये होगा vegetable and spice crops के लिए. So vegetable और spice crops के लिए कितना होगा? ये 750% होगा, 750 रुपये होगा और 1000 रुपीज़ होगा फॉर द फ्रूट क्रॉप्स के लिए. अगेंस्ट द एश्योर्ड सम, आपको कितना एश्योर्ड सम मिल सकता है? 30,000, 40,000 एश्योर्ड सम मिल सकता है, करेक्ट. ओके, नाउ ये जो क्लेम आप कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे कितने कॉम्पनसेशन का, ये सारा का सारा एक तरीके से सर्वे के बेसिस पे चेक किया जाएगा कि कितना आपका क्लेम बनता है, कितना आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए और एक्सटेंट ऑफ लॉसेस जो है वो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि आपको 25% का कॉम्पनसेशन मिलेगा, 50% का मिल सकता है, 75% का या 100% का. ठीक है, अब नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. ये जो स्कीम है इट इज़ ऑप्शनल, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इट इज़ ऑप्शनल. और साथ ही साथ एक सीड बैंक जो है, सीड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़, ये भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है इसको इस स्कीम के लिए. ठीक है, सो हमने इस स्कीम के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं दैट दिस स्कीम इज़ ऑप्शनल, दिस स्कीम कवरिंग 21 फ्रूट, वेजिटेबल या फिर स्पाइस क्रॉप्स. ठीक है, एंड हाई रिस्क क्रॉप्स से बेसिकली फार्मर को इनकरेज करने के लिए कि आप ग्रो कीजिए, कल्टिवेट कीजिए, देर इज़ अ इंश्योरेंस स्कीम जो आपको हेल्प करेगी इफ़ देर इज़ अ सम फाइनेंशियल लॉसेस दैट यू सफ़र, एंड 2.5% जो है वो फार्मर कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, तो ये हमने इसको स्कीम को देख लिया. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़, देखिए हरियाणा जो है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इट इज़ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. इन ऑर्डर टू बूस्ट द एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जो है उसको सेटअप किया जाएगा, ठीक है। ओके, सो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को सेटअप किया जाएगा और ये जो सेटअप करने की बात की गई है, ये बात की गई है टू प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स डिक्लेयर्ड और एट द इनॉग्रेशन ऑफ वाणिज्य उत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में एक उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया, फंक्शन था वाणिज्य उत्सव, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं बात की जा रही है कि यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड जो है उसको, ब्यूरो जो है उसको सेटअप किया जाएगा इन ऑर्डर टू बूस्ट द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, करेक्ट, ठीक है। सो ये जो पूरा का पूरा उत्सव था, ये उत्सव आपको पता है 75 साल हमारे आज़ादी के कंप्लीट हुए हैं। सो यही पूरे साल भर हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो मना रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स अपने अपने तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मनाया जा रहा है। तो वैसे ही उसी सेलिब्रेशन को मनाने के लिए वाणिज्य उत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया और ये वाणिज्य उत्सव के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की बात रखी गई है कि इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। सो ये जो उत्सव था, दैट इज स्टेट लेवल उत्सव, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो इतना आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट इज सरस्वती रिवर का जो रोल है वो हमारे वैदिक काल के अंदर बहुत ज़्यादा था, हम बहुत बार इस रिवर के बारे में सुनते हैं। तो यही इसका जो रोल है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, महाभारता के अंदर ये हरियाणा के स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाएगी। इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, अनाउंस किया गया है रिसेंटली। इस तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से, जैसे हिमाचल के स्कूल्स के अंदर जो एजुकेशनल करिकुलम है उसको, एकेडमिक करिकुलम है उसको चेंज किया गया है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो, मतलब कि जो आपकी जो वेटेज होगी एग्ज़ाम्स के लिए, वो एग्ज़ाम होली सोली एग्ज़ाम बेस नहीं होगी, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिस बेसिस पे आपकी असेसमेंट की जाएगी और आपको फिर फाइनली आपका एग्ज़ाम मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो उसमें 4% योगा के लिए भी दिया गया है और एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी दिया गया है कि आपको वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपको वो 4% मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। फाइनली आपके जो पूरे ओवरऑल मार्क्स मिलेंगे। तो वैसे ही हरियाणा गवर्नमेंट ने उसी तरीके का स्टेप उठाया है एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर, जिसमें उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर क्या किया है, बुक्स के अंदर सरस्वती रिवर का जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट किया है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर होल क्वेश्चन, दैट इज़ 4 to 12, चौथी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक हरियाणा स्कूल्स के अंदर ये बेसिकली स्टूडेंट्स को अवेयर कराया जाएगा बाय इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक्स ऑफ सरस्वती रिवर in order to make student aware about the mythological history of river, ठीक है। तो इतना आप ज़रूर याद रखेंगे। इसी के अंदर हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस में इसको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा रेफरेंस ऑफ सरस्वती रिवर फ्रॉम वैदिक एंड प्री वैदिक टेक्स्ट, क्या रेफरेंस है, और इसका जो रोल है बैटल ऑफ महाभारता के अंदर क्या रहा है, मेडिवल एरा संस्कृत टेक्स्ट वमाना पुराण है ना, दैट एक्सप्लिसिटली बहुत क्लियरली मेंशन करता है इस रिवर की हिस्ट्री के बारे में, एंड हड़प्पन एरा आर्कियोलॉजिकल साइट जो है धोलावीरा इन गुजरात, यहाँ पर भी बहुत क्लियरली मेंशनिंग है सरस्वती रिवर का, ठीक है। ऋग्वेदा की बात करें तो आपको पता है, आपने खुद भी पढ़ा होगा ऋग्वेदिक टेक्स्ट के ऊपर, कि ऋग्वेदिक टेक्स्ट में लगभग 72 टाइम्स जो है संस्कृत रिवर का मेंशनिंग है, ठीक है। संस्कृत रिवर का मेंशनिंग है 72 टाइम्स एंड दिस वाज द मोस्ट पॉपुलर रिवर है ना इन दी ऋग्वेदिक टाइम्स में, ठीक है। बाकी जो रिवर्स हैं जैसे यमुना भी है, यमुना जो है देयर इज ओनली 1 टाइम रेफरेंस ऑफ अदर पॉपुलर रिवर लाइक यमुना। तो संस्कृत सरस्वती रिवर वाज अ पॉपुलर वन इन दी ऋग्वेदिक टेक्स्ट ऑल्सो। सिमिलरली इन पुराणास की बात करें तो पुराणास के अंदर स्पेसिफिकली वमाना पुराण जो है, विच इज़ वन ऑफ द 18 मेजर पुराणास ऑफ हिंदुइज्म, वमाना पुराण 18 मेजर, वन ऑफ द 18 मेजर, जो 18 पुराण है उसमें से एक जो है वमाना पुराण है, उसमें भी आपको सरस्वती रबर का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या हाईलाइट मिलेगा। ठीक है, सो ये चीज़ है जो आप ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट हरियाणा इज़ रिलेटेड टू अरावलीज। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि रिसेंटली एक सर्वे किया गया, इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सर्वे, इस तरीके का पहली बार सर्वे किया गया हरियाणा के द्वारा किया गया। किसने किया? हरियाणा का डिपार्टमेंट है हरियाणा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, इसने ये सर्वे किया, अरावली रेंजेस के ऊपर किया, टू चेक द फ्लोरल डाइवर्सिटी इन द अरावली रेंजेस। ठीक है, एंड टू रिकॉर्ड एंड मेक इन्वेंट्रीज ऑफ स्पीशीज, कि कौन कौन सी स्पीशीज हैं वहाँ पे, उनके बारे में एक डेटा कलेक्ट करना, वो सारा जो है वो हरियाणा के इस डिपार्टमेंट ने किया। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने हरियाणा के बारे में ये पढ़ा था कि हरियाणा का मेजरली जो डाइवर्सिटी है दैट बिलोंग्स टू अरावली, है ना। सो अरावली जो है वो अभी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक तरीके से उसका जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने काफ़ी एक डिस्कशन किया था, एक मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हमने आंसर तैयार किया था। ठीक है, वही चीज़ के रिलेटेड ये एक्सटेंशन है, ये आप सप्लीमेंट कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, सो हरियाणा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है इसके रिगार्डिंग है, इसमें है क्या, इसमें यही है कि 1000 हेक्टेयर का पूरा सर्वे किया गया एंड टू चॉक आउट द स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स इन अरावलीज। ठीक है, तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो एक तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया गया, लगभग 60 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई को आइडेंटिफाई किया गया, और इसमें सबसे जो कॉमनली मतलब रेयरली साइटेड बटरफ्लाइज है, रेयरली साइटेड बटरफ्लाई कॉमन एल्बाट्रॉस, ठीक है, कॉमन एल्बाट्रॉस, तो उसको भी बेसिकली देखा गया कि इस एरिया के अंदर। सो आउटकम इस सर्वे का क्या निकल के आता है, आउटकम ऑफ दिस सर्वे will form the basis for observing the impact of habitat disturbance। तो किस तरीके से habitat disturbance का क्या impact पड़ा, climate change का क्या impact पड़ा है इस region की ecology के ऊपर, वो हमारा जो है एक तरीके से basis है observe करने का। ठीक है, इस survey का यही outcome निकला, एंड ये चीज़ जो है ये आप सप्लीमेंट कर सकते हो, जो पिछला हमने पढ़ा था अरावली के बारे में, ह्यूमन इंटरवेंशन या अरावली जो है उसमें किस तरीके से कैसे उनका जो सिस्टम है अरावलीज का वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है धीरे धीरे, उसको इसके साथ सप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि जो डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज है वो 58 कर दी गई है, पहले कितनी थी, 65 थी। सो अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं जो 58 ईयर्स से ज़्यादा हैं उनको जो है वो जिन्होंने बेसिकली अटेन द एज ऑफ 58 या मोर बट हैव बीन वर्किंग एज अ कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट ऑन द एक्सटेंडेड सुपर एनुनेशन विल स्टैंड रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस, सो दे विल बी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस। ये एक अनाउंसमेंट जो हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। सो आप थोड़ा सा इसमें बस पढ़ने वाला ही है, इसमें कुछ याद रखने वाला कुछ भी नहीं है। सो हमने काफ़ी सारा इसमें आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ ली हमने हरियाणा गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी चीज़ है, आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर यू नो यू कैन मैंशन इट एंड मेक श्योर यू कैन गिव फीडबैक ऑल्सो। और अगर आप इफ़ यू लाइक दिस लेसन सो डू लाइक एंड आई होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू।